मेहनत करता है, उसी पोजीशन पे आता है, तो उसकी परफॉर्मेंस कम होती है। जिस दिन से ये आए हैं कोरोना हाउस के दरवाजे हर तरह की तकलीफात के लिए आवाम के लिए खोल दिए हैं। मैं बात करूंगी सीओ की, जिन्होंने पीपीएफ के हमारी टीम को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, जिन लोगों ने तकलीफ इस खूबसूरत महफिल को सजाया। हमारे नाती पुरे साहब हैं, हम एक घंटे एनजीओ में हमने सफर शुरू किया, काम करते थे। तो देखिए ये मेहनत होती है जो आपको कहाँ से कहाँ मिल जाती है। आज वो पाकिस्तान के सबसे बड़े पंडित जो हमारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं वो उसके, तो इससे पता चलता है कि मेहनत आपको लोग जितना नहीं कहते हैं तो कहाँ से कहाँ पहुँचे। क्योंकि आरएसपी में थे तो हमें कोई भी काम होता है हमें बिना नकल पे कॉल करते हैं, वो एक पहली बेल पर दूसरी बेल पर जो हालत है तो बड़ी मुझे हैरत होती है कि इतना बिजी बंदा और जो है और उसका फोन रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो मैं अपनी बहनों को ये जरूर कहूँगी कि उन्होंने मोड़ लिए हैं और जो अलर्ट जिंदगी में आगे इंशाल्लाह जिनको नहीं मिले वो कि आप अपनी जिंदगी में हार्ड वर्क को जरूर पहनिए। मैं मुझे कहा गया आप एक मैसेज बनाए जहाँ चौधरी साहब दे आर ऑल द साइलेंट हीरो ऑफ आर्स, जो ये जितने हैं हमारे साइलेंट हीरो हैं जो पीछे सब इस तरह के हमें विमेन को सपोर्ट करते हैं। जहाँ चौधरी साहब मेरे कुलीग रहे हैं, मैं जर्नलिस्ट थी तो मेरे साथ काम करते थे, फिर वो सियासत में आए और आज आते ही उन्होंने एज ए केयरटेकर मिनिस्टर उन्होंने एक अच्छा स्टेप उठाया है मैं समझ के हमारे सदन। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि जब आप जिंदगी में किसी भी शोबे में आते हैं, जब मैंने कहा मुझे एक क्लिप बना के दे दें वीडियो का, तो मैंने भेजा, तो उसमें मैं मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स सुन रही थी, तो उसमें यही कहा ज़्यादातर खातों ने कहा मौके की है। मैं नहीं समझती कि मौके नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बलूचिस्तान में बहुत है, आपको सिर्फ उसे अचीव करना है। मैं सिर्फ एक बात करूंगी कि कुछ ऐसा नहीं कि मैं रुके हूँ, तो जब मुझसे पढ़ी लिखी खबर की पूछती है कि देखिए मेरा ये मसला है तो आप मैं कहाँ जाऊँ, तो मुझे बहुत दर्द होता है। अभी भी मैं सच आपको बताऊँ तो मुझे जो मिसिंग है लगता है मिसिंग है ये है कि आपके लिंकेज और अवेयरनेस तो हम ग्रास रूट लेवल तक ले जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत समझने की बात है मैं खासतौर पर जो ऑर्गेनाइजर से हमको कहूँगी कि हमारे उन लोगों तक नहीं जा रहे जो पढ़े लिखे हैं, उन तक नहीं जा रहे। आप गर्ल्स कॉलेज में चले गए, बहुत सी खातों को नहीं पता चल रही है क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। हमने टारगेट ग्रुप चुना सिर्फ जो स्मॉल या रूरल एरिया की तरफ कर दिए, अनपढ़ ऑनलाइन के ग्रोथ। मैं ये नागर गुरु साहब को भी कहूँगी, मेरे एसपी के बैठे हैं रशीद साहब ने अच्छी कोई ट्वीट कर, तो मैं उनसे कहूँगी कि प्लीज अर्पण खवातीन के वो बिल्कुल आपको नहीं करें, उन्हें जरूरत भी है जो आप रूरल तरफ करें, लेकिन अर्पण खवाते जब भी कोई एन जी ओ का प्रोग्राम आता है तो ऑर्गेनाइजेशन है तो कहते क्वांटा नॉर्मल क्वांटा फोकस क्वांटा तो कैपिटल है उधर तो सारा कुछ है हमारी तो पॉलिसी ये नहीं है हम तो। तो मैं प्लीज ये कहूंगी कि कोई ना कोई यंग हमारे जो ये यूथ है हमारी ये यंग जनरेशन है उनके लोग भी और हमारी जो वो जनरेशन जो आईटी से रह गई है और इस वक्त हमारे इधर के बड़े या नॉर्दर्न के वो दरमियान है मैं उनके लोग उन खातिन को खासतौर पर खातिन को आई टी के प्रोग्राम्स में भी शामिल करें, उनको उसमें कोई एज लिमिट ना रखें ताकि वो इंडिपेंडेंटली अगर वो घर में भी रहती हैं और अपना काम नहीं कर सकते रिटायर हो गए हैं उनसे फायदा उठा। हमारे सीनियर सिटीजन बहुत इग्नोर है, दे आर आवर माइंड्स, हमने एक जिंदगी गुजारी है हमारे इस माशरे में लेकिन वो इस वक्त साइलेंट है, उनकी एडवाइस से एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए और उनसे फायदा उठाए और उनको साथ दे दीजिए। और खासतौर पर जितने भी प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं जाना कि देश आपके लिए मेरा एक सजेशन है आप इन तमाम प्रोग्राम्स को
ताकि मैं जब कोयटा में बैठने तो मुझे पता हो कि पंजाब में किस औरत को आपने रिकॉग्नाइज किया है, किस किस को अवार्ड मिले हैं आपको, पंजूर या नौशी या लुलाई चमन वो खवातीन गवाना, तो उनको पता हो कि कोयटा में क्यों सी तकदीर हुई है और हमने दूसरे को जाना, दिस इज कॉल नेटवर्किंग। आज ग्लोबल विलेज या दुनिया में हमें दूसरे को समझने और दूसरे को जानने की जरूरत है। आज मैं तो बलोचिस्तान में तकरीबन सबको जानती हूँ, लेकिन आज कुछ नाम मेरे लिए नए थे और मुझे बड़ी हैरत हुई, मुझे बहुत खुशी भी हुई कि उन खवातीन को आप दे रहे हैं कि जिन्होंने मूसा खैर के हाथ बनाई है और जिन बन की हमारी नानी है जो स्कूल की तरफ से आपने दिया है, तो ये बिल्कुल खूबसूरत एक मैसेज है जो कोशिश है कि मैंने आपने की है, अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश है जिसे मैं इकमान करती हूँ। हमें कंटिन्यूटी की जरूरत है। आज की बलोचिस्तान 21वीं सदी में माएँ मर रही, बच्चे मर रहे हैं। मैंने बलोचिस्तान जो मैंने पहला सुना, जब मैं मंत्री बनी तो पहला जुमला मैंने सुना कि बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा माएँ मर रही, तो मेरा दिल इतना डिस्टर्ब हुआ, मैं खुद इतनी डिस्टर्ब हूँ कि हम अपनी माँ को मालूम है हमारा भी कोई किरदार है, यकीन है तो ये क्या वजह है। तो मैंने उसी दिन सोचा, मैं सिविल हॉस्पिटल गई, मैंने देखा तो एक लेबर हूँ और 100 माँ माएँ जो है बेटी, लेकिन माँ पर हम कहते हैं उसके हम इस्लाम में भी कहा है और बेटी का मुस्लिम है, जन्नत उसके कदम तले है और हम उसे इतना बड़ा मंगवा देते हैं। इन वे वी आर किलिंग आवर मदर्स, आवर चिल्ड्रन। अभी भी पिछली सर्दियों में फैब में चमन से खातून आ रही थी, बर्फ की वजह से वो पहुंच नहीं सकी, बच्चा भी मर गया वहां पर। इसी तरह मशीन इसी तरह हो, और हम डेली आप जरा उठा के देख लें सिविल हॉस्पिटल में कि कितना क्या सुन रहा है। मैंने 4 लेबर रूम बना दी, 2 जेडी रोटी बना दी। 5 साल के बाद मुझे गरीब खातून के लौट के जाना पड़ा, उसको कोई एंटरटेनिंग नहीं करना था। जब मैं वहां गई तो यकीन करें मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हमने सारा कुछ बनाया था, वो तो वैसे था ही नहीं। सब कुछ अच्छा की बात सुन के इंसान को तकलीफ होती है, जब सेक्रेटरी जाते हैं मिनिस्टर्स जाते हैं कहते हैं सब अच्छा, सिविल हॉस्पिटल पैरासीटामोल की गोली में बिल्कुल से ये मैं खुद गई अभी चीज। तो दुख की बात यह है कि वो कंटिन्यूटी नहीं रहती उस सिस्टम में। हम अपने सेल्फ एज ए सिटीजन भी वो किरदार अदा नहीं करते, सब कुछ तो मिनिस्टर्स नहीं कर सकते, सब कुछ तो आप सियासतदान करना छोड़ दें। एज ए सिटीजन भी हमारा एक फर्ज है कि हम सोसाइटी में एक किरदार अदा करें। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने ये सारी चीजें ली थी वो कहाँ गई, उन्होंने कहा वो तो उन्होंने कार्ड के साइड पर कर दिया, वो नया सिस्टम बना दिया। तो मैं चाहती हूँ कि देखें हम चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं और एक नई तामीर शुरू कर देते हैं। एक चीज बनी हुई है उसी को आप बेहतर ही बना के आगे चला लें तो बहुत अच्छा सिस्टम चलेगा। तो हमें अब इस धब्बे को अपने से हटाना है कि हम हमारी माए बलोचिस्तान में और बच्चे सबसे ज्यादा मर रहे हैं। हमने इतनी फंडिंग ली है बलोचिस्तान में इसके ऊपर, इतने सेमिनार्स हुए, लेकिन रेशो कम ही और बढ़ रहा है। वेयर इज द गैप? अभी नाना बलोच साहब कह रहे थे कि मैंने जो है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए पहले हम उनके लिए चीजें देते हैं, कितने मैंने उस पर प्लानिंग की, इसलिए कि देखें इस वक्त हमारी औरत को हेल्दी वुमेन चाहिए। हम हमें हेल्दी वुमेन चाहिए जो कि आपके पूरे माशरे को आगे बढ़ाते। जब वो हेल्दी ही नहीं होंगी और वो सिर्फ 2 जानों को हम बचाने के चक्कर में लगे रहेंगे, वो हेल्थ को तो बहुत दूर की बात है। हम सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए लगे हुए, शायद तो माँ बच जाए या बच्चा बच जाए। और जिस औरत को मिले की गई थी उसे 4 दिन पहले कह दिया गया था कि उसका बच्चा जिंदा नहीं है, लेकिन उसका बच्चा भी जिंदा पैदा हुआ और वो भी बच गई सिर्फ मेरे जाने की वजह से। देखिए ये हमें अपने रोल अदा करते रहने चाहिए। और दूसरा ये कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको अपना जो भी विमेन है खासतौर पर जो कि विमेन के हवाले से समिट है उसे अपना किरदार अदा करने की बेइंतहा जरूरत है। अपने नेवर नेवर कंप्रोमाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ विमेन।
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, ग्रेसफुली आगे बढ़े। आप जहां भी जाए पता चले कि ये बलूचिस्तान की औरत है, बलूचिस्तान की खूबसूरती ये है, पढ़ते हुए रहेंगे भी वो जदीद माहौल को भी अडॉप्ट करके भी वो एक ग्रेसफुली आगे बढ़ती है और अपने काम को सर अंजाम देती है और आसमान को छूती है। ये सच आज मुझे कहा जाता है और उसमें मेरे जहन में क्या बात थी, सिर्फ एक बात, पूरी दुनिया मुझे देख रही है, अगर मैं आएगा तुमसे कोई गलती हो गई, तुमसे कोई ऐसी चीज हो गई तो शायद पीछे आने वालों का रास्ता हो जाए। तो मैं अपने मेरी लाइफ स्टाइल में नहीं था, मैंने बहुत चेंज करके अपने आप को उस तरह डाला कि कल कोई ऑब्जेक्शन हो अब मेरे पीछे आने वाले खवातीन का रास्ता हो जाए। तो वो चैलेंजेस आपके साथ होते हैं। अगर मेरी पार्टी अलग बात के साथ के बाद मुझे एक मौका देती है, जबकि मैं नवाज शरीफ साहब से मिली भी नहीं डिविजन, और वो कहती है कि खातून को मैं स्पीकर बनाऊं बिकॉज ऑफ हर ऑनेस्टी एंड एजुकेशन, तो उसने बनाया सर्टिफाइड। मैंने भी उसके साथ पूरी औकात बनाई और नहीं छोड़ा, इसलिए कि देखिए आपको अपने प्रिंसिपल पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, आप अपने प्रिंसिपल पे कभी कंप्रोमाइज ना करें, बी गवर्नमेंट भी बी गवर्नमेंट। मेरी यही गुजारिश आपकी, शायद मैंने बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट में उनसे बातें की हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं वो तो रिजर्व यकीन करते हैं, और मुझे मैं आपको मुबारक बात पेश करती हूँ। और मेरी विश है आयशा जहरी को मैंने सोशल मीडिया पर देखा, तो मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस लड़की को, मैंने कहा कि इतने बेहतरीन काम कर रही है। इसी तरह हमें सबको एक वक्त में ला के एक दूसरे का बाजू पकड़ के एक टीम की शक्ल पर काम करने की जरूरत है। आपके जो नसीब में आपको मिलेगा नेवर बॉदर, अपनी नीयत साफ रखें और आगे बढ़ें। खवातीन के बारे में हमारे नजरात अक्सर ये देते हैं, ये तो एक दूसरे के साथ ही देती हम साथ देते हैं, सच कहता हूँ, लेकिन आपको ये एडवाइस है कि आप एक दूसरे के साथ नीयत नीति के साथ आगे बढ़ें, यकीन करें जो आपके नसीब में कोई नहीं छीन सकता। थैंक यू।